नमस्कार दोस्तों, मोहम्मदी नगरपालिका चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज मैं मोहम्मदी में के एक वार्ड में सुबह सुबह मौजूद हैं। तो एक भाजपा की पार्टी की ओर से डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, लगातार लोगों के बीच में जाकर भाजपा लोगों से वोट मांगने का काम कर रहे हैं। इस बीच हमारे साथ मंत्री विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद हैं, तो वो भी सुबह सुबह आकर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। तो हमने सोचा इनसे भी वार्तालाप करते हैं कि एक नगर पालिका के चुनाव में मंत्री विधायक जी भी आकर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, भाजपा की क्या रणनीति रहेगी इस चुनाव में? भाजपा विजय की ओर चल पड़ी है। निश्चित रूप से हम मोहम्मदी नगर पालिका को जीतने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई दोमत नहीं। एक बात कही जाती है हर चुनाव में कि लोग बाहर से आते हैं और यहाँ वोट मांगते हैं और जीतने की उम्मीद करते हैं, हर बार बाहरी लोग आके ही वोट मांगते हैं, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? बाहर वालों को मोहम्मदी की जनता पैक करके वापस भेजती है, फिर से पैक करके वापस भेजेंगे। एक बात और वो कह रहे थे कि पिछली बार बेईमानी करी हम जीत रहे थे, इस संबंध में क्या कहेंगे? बेईमानी हम लोग करते ही नहीं कभी है, पिछली बार भी बेईमानी नहीं की गई थी, इस बार भी नहीं बेईमानी करेंगे। हम जनमत के आधार पर जीतते हैं, जनमत के आधार पर ही जीतते हैं। वो हारने वाला हमेशा बेईमानी का आरोप लगाता है, कभी ईवीएम लगा देते हैं, कभी कुछ लगा देते हैं। इस बार जीत की कैपेसिटी कितनी देखते हैं आप? हम लोग बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। हमारे साथ नगर के नगर अध्यक्ष सौरभ गुप्ता जी भी मौजूद हैं, तो लगातार पार्टी की ओर से एक्टिव रहते हैं। इनका मत जानते हैं कि क्या पार्टी की रणनीति रहेगी इस चुनाव में? रणनीति बिल्कुल साफ है, रणनीति के लिए सुबह संपर्क किया जा रहा है। रणनीति के लिए व्यक्ति विशेष कोई ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि उससे मिलना है, उससे भी मिला जा रहा है। चुनाव हर हालत में भारतीय जनता पार्टी मोहम्मदी से जीतेगी, इसमें कहीं कोई दोमत नहीं है। तो ये हमारे साथ नगर अध्यक्ष जी मौजूद थे, तमाम डोर टू डोर ये कैंपेन चल रहा है, सुबह सुबह का 7 से 7:30 बजे का वक्त है। मंत्री विधायक जी भी मौजूद है, नगर अध्यक्ष जी मौजूद है, तमाम पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी लोग डोर टू डोर कैंपेन करके लोगों से वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। कैमरामैन जसवंत के साथ अश्विनी सिंह राजपूत, जय हिंद जय भारत।